91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम निमेश और अब हमारी बातें होने वाली है आज नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस शगुन आजमानी के साथ। जमाई राजा में वे नजर आ चुकी हैं, झांसी की रानी और गीता का धर्म युद्ध ऑन सी टीवी वे नजर आई हैं और हमारे साथ इस वक्त में बिल्कुल लाइव है, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। शगुन आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू सो मच, मुझे आपने चांस दिया कोलकाता में बात करने के लिए। सो हाय कोलकाता, हाउ आर यू? बिल्कुल कोलकाता में इस पर बता दूं कि हम सब ठीक तो हैं, लेकिन गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि हालत जो है थोड़ी सी बेहाल हो गई है। आप मुझे बताओ, जब गर्मी पड़ती है तो अपने दिमाग को आप ठंडा कैसे रखती हैं? सबसे पहले ये बताइए। गर्मी तो यहाँ बॉम्बे में भी बहुत ज्यादा है, बट दिमाग को ठंडा रखने के लिए ठंडा ठंडा पानी पीजिए एंड यू नो यू हैव टू जस्ट स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी पीजिए, जूसेस पीजिए एंड आई प्रेफर यार घर में एसी में बैठे रहो और ज्यादा बाहर मत घूमो। बिल्कुल सही बात की है। वैसे बताइए, हमने आपको बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स में देखे हैं, जमाई राजा में आप नजर आए, जहाँ से की रानी में आप नजर आई हैं, गीता का धर्म युद्ध में नजर आई हैं। बहुत बहुत चैलेंजिंग रोल्स हमेशा से आप करते आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली मुझे हमेशा से नेगेटिव रोल्स ही मिलते आए हैं और मुझे मजा आता है एक्चुअली नेगेटिव रोल्स करना, बिकॉज बहुत चैलेंजिंग होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है नेगेटिव रोल्स करने के लिए। तो फॉर मी, मतलब मैं ये नहीं बोलती कि मैं पॉजिटिव रोल्स नहीं करना चाहती हूँ, बट ऑलरेडी एक शो में चार अगर पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं एंड यू नो मुझे लगता है कि ऑडियंस से ज़्यादा ओवरडोज नहीं चाहिए अच्छाई का, थोड़ी बुराई भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप पॉजिटिव रोल जो आप करना चाहती है वैसे रोल्स आपको जल्दी जल्दी मिले, लेकिन सबसे चैलेंजिंग क्या होता है? पॉजिटिव रोल करना ज्यादा आसान है कि एक खतरनाक और एक विलेन का रोल यानी कि नेगेटिव रोल करना ज्यादा मुश्किल होता है? इजी तो कुछ भी नहीं होता है, यू नो पॉजिटिव रोल की अपने हार्डशिप्स होते हैं, यू नो उसमें भी काफी कुछ करना पड़ता है, बट फॉर मी मैं ये समझती हूँ कि नेगेटिव रोल्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, उसमें काफ़ी कुछ करने को भी मिल जाता है आपको नेगेटिव, मतलब आप कभी अच्छे बनते हो कभी आप बुरे बनते हो कुछ लोगों के सामने, तो इट आई थिंक फॉर मी नेगेटिव रोल्स हमेशा चैलेंजिंग रहेंगे और मुझे बहुत सीखने को मिलता है। क्या बात है। शगुन, आने वाले कुछ प्लान्स के बारे में बताना चाहेंगे और किन किन रोल्स में हम आपको देखने वाले हैं? एक्चुअली अभी तो मैं ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट सून बहुत जल्दी आप मुझे देखेंगे एंड आई एम होपिंग आप मुझे पॉजिटिव रोल में भी देखे बहुत जल्दी। बिल्कुल, मुझे ये बताइए कि आप लोगों की जो शूटिंग की कोई टाइमिंग नहीं रहती है, कभी मॉर्निंग शूट होती है, आफ्टरनून शूट होती है, इवनिंग होती है, नाइट शिफ्ट होती है, तो मुझे बताइए सबसे टफ किसको मानती हैं आप, सबसे तकलीफ आपको शगुन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में होती है? यार मेरे लिए ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है नाइट शिफ्ट शूट करना, बिकॉज 11 बजे ना एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है नाइट शिफ्ट शूट करने में, और जब इतनी गर्मी होती है बाहर तो आउटडोर शूट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काफ़ी हमारे आउटडोर सीन होते हैं तो इसके गर्मी के दौरान तो वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है शूट करना। बिल्कुल ओके। बॉलीवुड का सबसे बड़ा विलेन आप किसे मानती हैं और सबसे नेगेटिव रोल जो आपको लगता है कि ये आइडियल है आपका, कुछ कहना चाहेंगी? सबसे टफ रोल किसी का, किसी कोई एक्टर का? ऐसा तो कोई नहीं है, यू नो बिकॉज मैं अगर बॉलीवुड में देखने जाते हैं तो फिर हम गुड लुकिंग हीरोइंस को देखते हैं या गुड लुकिंग हीरोज को देखते हैं, हमने कभी देखा नहीं कि विलेन कितना गुड लुकिंग है या विलेन क्या कर रहे हैं, बट हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे फेवरेट एक्टर है या मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, किसी बार मैं जरूर बोलती हूँ, हमें करीना कपूर है तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, या फिर अर्जुन रामपाल हो गए, आई थिंक मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड एक कैरेक्टर है जो मेरा हमेशा से, मतलब मेरे को बहुत ही पसंद है, मैं वैसा करना चाहती हूँ, ऐतराज में प्रियंका चोपड़ा ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, आई थिंक वो बहुत ही चैलेंजिंग था, जिस तरह से उन्होंने वो हर एक औरत के शेड को पोर्ट्रे किया था कि एक औरत क्या क्या कर सकती है, लाइक जब वो स्ट्रॉन्ग है जब वो वीक है, तो आई थिंक वो एक कैरेक्टर है जो मैं हमेशा से लाइक यू नो करना चाहती हूँ, मैं उसे नेगेटिव नहीं बोलूंगी, बट इट्स काइंड ऑफ अ ग्रे कैरेक्टर। वेरी ट्रू। शगुन, जाते जाते 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पे सुन रहे हैं, उन सभी से कुछ कहते जाइए, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के बारे में कुछ कहते जाइए। मैं वैसे तो कभी कोलकाता आई नहीं हूँ, पर मैं बहुत जल्दी कोलकाता आना चाहती हूँ, आप लोगों से मिलना चाहती हूँ एंड मैं कोलकाता देखना चाहती हूँ, तो फॉर यू ऑल समर इन्जॉय कीजिए और मैंगोज आ गए, मैंगोज खाइए एंड प्लीज स्टे हैप्पी, टेलीविजन देखते रहिए, हमें देखते रहिए। क्या बात, थैंक यू सो मच हमें बातें करने के लिए हमारे साथ, हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप चैलेंजिंग रोल करते रहे, इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शगुन आजमानी की, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे, आज तक टोटल फन फ्रेंड्स एफएम 91.9।